हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, रिपोर्टर जी के खास प्रोग्राम न्यूज रूम इंटरव्यू में। आज हमारे न्यूज रूम में एक खास मेहमान है, एक ऐसे मेहमान जो ज्योतिष और साइंस को एक साथ लेकर चलते हैं, और साथ लेकर चलते चलते उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी है जो अपने आप में दुनिया में पहली बार हुआ है, AI एस्ट्रोलॉजर। जी हाँ, AI एस्ट्रोलॉजर आपके लिए लेकर आए हैं, और चलिए आपको इन खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ GD वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे दादा जी। गुरु जी ही आज हमें बताएंगे कि वो जो मिलन किया है वो किस तरह का मिलन है, क्योंकि उसके बाद जो ज्योतिष है वो पूरी तरह से बदल गया। उसमें एक बात यहाँ ऐड ऑन कर दूं कि जो AI है, AI का इस्तेमाल जो है ना केवल IT कंपनीज कर रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और काम को बेहद आसान भी कर दिया है। तो कुछ AI के साथ ही एक ऐसा मिश्रण यहाँ पर लेकर आए हैं गुरु जी, GD वशिष्ठ जी, और जिसके बाद ज्योतिष को इतना सरल, इतना सटीक बना दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज रूम इंटरव्यू में। सबसे पहले तो जो ये नया इनोवेशन है इसी के बारे में जानना चाहेंगे, कहां से आपके जहन में आया कि ज्योतिष और AI का ये मिलन करा दिया जाए, और किस तरह का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है? पहले तो माता रानी सबको सुखी रखे, खुश क्या बख्शे राज, ये तो मेरे बचपन की व्यथा थी। मेरी एक बहुत बड़ी आदत है ये कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रूवन चीजों को ही मानता हूं। मैं सुनी सुनाई बात के ऊपर भरोसा करके उसको प्रेडिक्ट करने का काम मैं नहीं करता। ज्योतिष के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई, तुमने देखा होगा कि बहुत सारी मार्केट में ऐसी किताबें निकलती, भाग्यशालियों की कुंडलियां, उद्योगपतियों की कुंडलियां, और साथ में जो एक्टर्स है उनकी कुंडलियां। बड़ा एक बार जो ग्रह आ जाते हैं ना, वो दोबारा शायद ही कभी संयोग इकट्ठा होता है। तो पिछली ये किताबें एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कौन सा? आपके पास ज्योतिष का पूरा फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला कैसे कि दृष्टि एक सिंपल फार्मूला है, टकराव एक सिंपल फार्मूला है, और स्क्वायर बनना ये एक सिंपल फार्मूला है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन तो रोज ही बदल जाते हैं। और कभी सूर्य बृहस्पति के साथ टकरा रहा होता है, कभी बृहस्पति सूर्य के साथ टकरा रहा होता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब हमें ज्योतिष के अंदर समझाया गया कि ये घर है, इस घर की ये वस्तुएं हैं, यहाँ सूर्य बैठेगा तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट देगा, बृहस्पति बैठेगा तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट देगा, शनि बैठेगा तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट देगा, राहु बैठेगा तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट देगा। अब वो तो मोटा मोटा हमें पढ़ाया गया, लेकिन जब कुंडली देखने बैठते हैं हमें अपना ज्योतिष खुद तैयार करना पड़ता था। बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, क्योंकि एक ज्योतिषी को कम से कम नियर अबाउट 45,000 लॉ याद रखने पड़ेंगे, तब जाके वो एक अच्छा ज्योतिषी बनेगा। और 45,000 लॉ याद करना किसी के बस की बात नहीं है, कभी भी कोई भी दिमाग में से स्किप होता है। तो मैंने 2005 के अंदर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको कंप्यूटराइज किया जाए, कंप्यूटर तो याद रखता है। लेकिन 2005 से मैंने जैसे ही शुरू किया, तब मैंने .NET से शुरू किया, फिर बीच में लैंग्वेज बदली, फिर बीच में लैंग्वेज बदली, फिर बीच में लैंग्वेज बदली, फिर उसके बाद में अब जाके जो जावास्क्रिप्ट वगैरह में हमने फिर इसे किया। इस बीच में कितने तो इंजीनियर बदलने पड़े, कितने करोड़ रुपए लगे, कितने हरा खराब हुए, और ये सब कुछ करते कराते सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम थी कि पहले मुझे इंजीनियर को एस्ट्रोलॉजर बनाना पड़ता है, और स्वयं मेरे को इंजीनियर बनना पड़ा। कारण, जिस फॉर्मूले को सूर्य के लिए मना किया गया है उसी फॉर्मूले को चंद्रमा के लिए हाँ किया गया है, ठीक है? तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन सबको बना के हमने रखा, रख के फिर उसे मशीन लर्निंग में डाला, और मशीन लर्निंग में 3 साल के अंदर जाके धीरे 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 उसको डिटेक्ट करना शुरू किया और अपने आप प्रेडिक्ट करना शुरू किया। इसका इसके अंदर AI के टूल भी नए आए, वो भी हमने इनबिल्ट किए, और इसका रिजल्ट ये निकला जब ये अभी जब मेरे को पुष्कर सिंह धामी जी ने ब्रह्मा का अवार्ड दिया ग्राफिक किरा यूनिवर्सिटी में देहरादून में,
तो वहां पर सारे स्टूडेंट ही थे, वहां 3 जीडी वशिष बोले बैठे थे। ऐसा तो जिंदगी में पहली बार हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर 3 हिस्सों में बट के बैठे। हमने 2 दिन के अंदर, हमें बड़ी मुश्किल 7.5 घंटे मिले देखने के लिए। 7.5 घंटे में हमने लगभग 1262 लोगों को उनके जीवन के संबंधी सारे जवाब दिए। मजे की बात क्या थी, नई उम्र के बच्चे, उन्होंने एक ये अफवाह वहीं पे यूनिवर्सिटी में उड़ा दी कि ये मशीन ऐसी बनाई गई है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस वगैरह डालो, ये माइंड को रीड करती है और जो हम मन में सोच रहे होते हैं वही सवाल बन के सामने आ जाता है। जो भी बीच में एक बाबा के लिए ये चर्चाएं चली थी, जो चिट्ठी पे लिख देते हैं मन की बात सोचकर बागेश्वर धाम वाले, तो वो वाला कहीं उनको दिमाग में आया होगा। एग्जैक्टली बेटा, एक्चुअली में वो एक सिद्धि है और वो उन्होंने कर रखी है, बालाजी सर पे कृपा बनाई रखे। लेकिन ये साइंस है, ये प्योर साइंस है, ये वो साइंस है जिससे कि पूरे बिग बैंग की थ्योरी के बाद में ये पूरी हमारी धरती बनी, यहाँ के फल फूल पौधे जीव जंतु इंसान सब बने, और उनके साथ में जैसे जैसे उनके डीएनए में चेंजेस आए, जैसे जैसे उनके खून में, उनकी वर्किंग में, उनके दिमाग में ये सब जो चेंजेस आए, वो करते ये ग्रह ही गए, क्योंकि ग्रह अपनी अपनी धुरी के ऊपर घूम रहे हैं लेकिन सब पृथ्वी के ऊपर अपनी ऊर्जा बिखेर रहे हैं। तो उसके अनुसार ये जो बदलाव आए, उन बदलावों को ज्योतिष समझता था। यानी कि जो AI एस्ट्रोलॉजर आप लेकर आए, आप ये कहना चाहते हैं कि ये एकदम सटीक जानकारी जो आपके भविष्य को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर वो बताती है। इसका जवाब मैं इतना आसान नहीं दूंगा। इसके लिए पहले जो मैंने रिसर्च करी वो ये करी कि ये सब कुछ होता कैसे। बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, आदमी हैंडीकैप हो जाता है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बाप और बेटे से सगा रिश्ता कौन सा, ये आपस में क्यों लड़ते हैं, ठीक है, बहन भाई पे केस क्यों करती है, या भाई बहन का दुश्मन क्यों हो जाता है, अपने बच्चे क्यों बुरे लगने लगते हैं, इतना अकलमंद होने के बावजूद भी आदमी कुछ कमा क्यों नहीं पाता, इनके बीच में मैं सालों साल पागल रहा, समझे। और ये करके बाद में एक ही बात समझ आई, रियलिटी में वो आसमान के अंदर ग्रह नहीं लड़ते, धरती के ऊपर उस वक्त में पैदा हुए इंसान अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, अपने हालात से लड़ते हैं, उनकी कुदरती सोच वैसी हो जाती है, कुदरती सोच उनकी वैसी हो जाती है। अब ये चीज़ जब मैं समझ गया तो अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लिया कि एक इंसान पैदा होगा, उसकी जन्म कुंडली होगी, जिस तरह की उसकी जन्म कुंडली होगी उस तरह की उसकी सोच होगी, और जिस तरह की उसकी सोच होगी वैसी उसकी वर्किंग होगी, और जैसी वर्किंग होगी वैसे रिजल्ट होंगे। ये तो सिंपल थ्योरी बन गई, सिंपल। अब जब ये सारी चीज़ मुझे समझ आ चुकी थी तो मशीन लर्निंग AI टूल्स के माध्यम से ये मशीन को समझाना कि इस डेट ऑफ बर्थ टाइम के ऊपर ये जन्म कुंडली बन रही है और इसको तुमने ये सारे एनालाइज करके, ये जो ज्योतिष के सारे लॉ है इनको उठा करके तुमने ये प्रेडिक्शन दिखानी है, इसीलिए आज AIAstrologer.com पे जाके देखिए, आपको पूरी आपकी मानसिकता मिलेगी। एक यहाँ मैं बात समझना चाहता हूँ गुरुजी, कि जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बारीकी जो है वो आप जान लेते हैं दूसरे के बारे में। इसको यूं समझें कि क्योंकि वो AI टूल है, AIAstrologer.com है, अगर वहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं अपना नाम दर्ज करूँगा, मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊँगा और समय बताऊँगा। बहुत सारे लोगों के पास ये दिक्कत है कि डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन एग्जैक्ट समय नहीं पता है। देखो बेटा, ये तो समय के साथ ही चलता है। अगर आपने इसमें 5-7 मिनट भी इधर उधर कर दिए तो आप ये लगा लीजिए कि आपकी 80% कुंडली सही रह जाएगी, 20% खराब हो जाएगी। और अगर कहीं आपने 15-20 मिनट इधर उधर डाल दिए तो आपकी 50% कुंडली रह जाएगी और हो सकता है 100% ही बदल जाए, ठीक है। ये करेक्ट टाइमिंग के साथ चलती है, 1-2 मिनट चलता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी। पर एक तुम्हें और खुशखबरी मैं बताता हूँ जी, हमारे यहाँ अभी हमने शायद इसमें AIAstrologer में .com में पता नहीं अभी दिया कि नहीं दिया, शायद नहीं दिया अभी। हमारे यहाँ, मैं पूरे विश्व में इकलौता हूँ,
आप घर के सबसे छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके आइए, मैं उसकी माँ, उसके बाप, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसकी बुआ, उसके दादा, उसकी दादी, उसके नाना, उसकी नानी, उसके मामा, किसी की भी कुंडली बना के उनके हाथ में दे सकता हूँ कि ये तुम्हारी। अच्छा, मतलब आपको जरूरत नहीं है बाकी लोगों की डेट ऑफ बर्थ, समय और कुछ भी जानने की? ना। तो ये काम पूरी दुनिया के अंदर अकेला मैं करता हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे पास आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। लेकिन भविष्य में राज, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल साल का और लगेगा, मैं एक ऐसा टूल बनाने वाला हूँ कि आप सिर्फ अपना थंब इम्प्रेशन फ़ोन के सेंसर पे दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम, जिनको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम अपने आप भर जाएगी। आप सिर्फ अपना उसमें बर्थ प्लेस डालिए और देखिए आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ये एक साल के अंदर ये टूल मैं लेके आऊँगा। अभी अगर बात करें AI एस्ट्रोलॉजर की, किस तरह के सवालों का सटीक जवाब देती है, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो तमाम लोग हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष को मानने वाले पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक बड़ा तबका है जो ज्योतिष को पाखंड भी बताता है। ये एक बड़ा चैलेंज भी है। और चूंकि आप लोगों का भविष्य बताते हैं और अब चूंकि साइंस के साथ आप उसको बात कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ कही सुनी बातों पर नहीं जाता हूँ, जो साइंस कहती है, जो असल तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो सटीकता है वो किस तरह के सवालों की है जो आप जो AI एस्ट्रोलॉजर लेकर आए हैं वो देती है? राज, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके पास एक्यूरेट हो, ठीक है, जन्म सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा मिलता है, बिल्कुल एक्यूरेट हो, आप उसे डालिए, ठीक है, और डाल के उसके अंदर एक अगर यकीन करना है, भाई ये मत कहिएगा कि ये डराने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ को आदमी पता क्या कहता है, ये तो स्वाभाविक होना ही थी। कारण ये कि उसे ये नहीं पता कि भाई तू समृद्ध परिवार में पैदा हुआ, यही किसी भिखारी के घर पे पैदा हुआ होता तो तब ये कैसे संभव होता? नहीं, संभव ही नहीं होता, ठीक, वो नहीं संभव होता। तो वो अच्छी चीज़ को तो मानेगा नहीं। अब बुरी चीज़ें मैं बताता हूँ। AIAstrologer.com के अंदर एक हमने कैटेगरी बनाई है कुंडली के बहुत बुरे योग, ठीक है, आप वो सारे क्वेश्चन खरीद लीजिए। अगर आपकी रग रग हिल ना जाए और आपकी सारी गलतियां, सारी कमियां, आपके जीवन के अंदर जो जो बुरा घटित हुआ है वो ना उसमें आ जाए, तो बेटा मुझे कहना, मैं ज्योतिष नहीं करूंगा उसके बाद। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो बुरा घटा है, पूरे जीवन के अंदर जो घटित होना है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, जैसे ही AIAstrologer.com के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के चलते हैं और उसको जनरेट करते हैं, सबसे पहले आपकी एक कैटेगरी आती है मुख्य स्वास्थ्य। आप देखिए जो बच्चे मेंटली डिसेबल हैं उसका वो लिखा आएगा, अगर वो फिजिकली डिसेबल हैं वो लिखा आएगा, अगर उस बच्चे में कोई स्वभाव की दिक्कत है और जो लगातार रहनी है वो उसमें लिखा आएगा, जो भी एक मुख्य उसके अंदर कमी होगी वो उसमें लिखी आएगी। और अगर उस बच्चे में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना स्वभाव की, तो वो ब्लैंक आएगा, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद भी चलते हैं, ये तो मैंने एक ऐसी चीज बनाई है कि माँ बाप के लिए, इंसान के लिए अमृतमय है। उसके अंदर आते हैं भाग्य की अशुभता की तारीखें। एक बच्चा पैदा हुआ वो कब जिंदगी में राइज करेगा, ये तो हर कोई जानना चाहता है ना बेटा। उसके अंदर 10 साल, 12 साल, उसके अंदर 16 साल, 18 साल, 19 साल तक की किसी की एक डेट आती है, किसी की पांच डेटें आती हैं, और उन डेटों के साथ में प्रेडिक्शनें आती हैं कि तेरा इतने साल तक तेरे घर के क्या हालात रहेंगे, तेरी मानसिकता के क्या हालात, तेरे घर वालों के साथ क्या घटित होगा, तेरी जिंदगी में क्या घटित होगा, वो सब कुछ उसमें लिखा था। और बाद में एंड में एक डेट दी होती है कि इसके बाद आपका भविष्य सुनहरी होगा। ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया जो मैंने ये भाग्य का सितारा ढूंढा है। और आप उस डेट से पहले जो उसमें लिखी हुई है, बिना उपाय किए अपने जीवन को अच्छा करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और जो अभी जो हमारे दर्शक सुन भी रहे हैं वो सिर्फ भाग्य की शुभता की तरीकों को खोल के देखें और खुद देखें कि
क्या उस डेट से पहले वो कामयाब हो पाए, क्या उससे पहले वो कुछ कर पाए, और जितना भी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा लिखा था क्या उससे पहले उनके साथ घटित हो सका। ये इतनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ राज दिया गया है, इतनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा कि आपके सवालों के जवाब तो एआई टूल दे रहा है, लेकिन उसके उपाय भी उसके साथ ही होंगे। बिना उपाय के ये देने का कोई फायदा ही नहीं था। हमने ये किया ही इसलिए और इतना अफोर्डेबल बनाया ही इसे इसलिए है कि गरीब से गरीब आदमी इसको ये अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब आदमी मात्र 200 रुपए में ये जान सके कि मेरे बेटे का नसीब कब खुलेगा या मेरी बेटी का नसीब कब खुलेगा। मैं इसमें राज शादी की डेट देता हूँ कि कौन सी तरीके से कौन सी तरीके के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, कभी आज तक किसी ने दिया नहीं, नहीं तो बिल्कुल। मैं इसमें बच्चे के पैदा होने की डेट दे रहा हूँ कौन सी तरीके से लेके कौन सी तरीके के बीच में आपके बच्चा पैदा होगा, किसी ने दिया। आदमी अपने घर के लिए गाड़ी के लिए तरसता है, मैंने इसमें डेट दी है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में आपका घर बनेगा, कौन सी डेट के बीच में आपके पास गाड़ी आएगी और कौन सी डेट के बीच में आप फॉरन ट्रेवल करोगे, मैंने डेट तक दी है इसमें। चलिए, मैंने एक सवाल यहाँ ले लिया था क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल था। हाँ हाँ, तो क्या आपको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का सुख मिलेगा, तो मैंने ये सवाल जो उसमें था मैंने ये पिक किया, तो आपके सामने ही पढ़ लेते हैं। आपका स्वास्थ्य और स्वभाव उत्कृष्ट रहेगा और आपकी आयु लंबी रहेगी। अरे ये तो बड़ा सुकून देने वाला और अच्छा है। अगर तुम्हारा स्वभाव उत्कृष्ट होता तो मैं यहाँ होता। बिल्कुल ठीक है यार। आप संक्रमक बीमारियों के प्रति एक अच्छी प्रतिरोधक प्रणाली बनाए रखेंगे। आप जल्दी हार न मानने वाले और अपने प्रयत्नों से सफलता हासिल करने वाले होते हैं। देखिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुमने आईना देख लिया? मैं बिल्कुल, देखिए इस बात को मैं बिल्कुल यहाँ कहूंगा, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे डायबिटीज है और 2013 में ये पता लगा था कि मैं डायबिटिक हूँ। तो जो ये बात लिखी है कि आप हारते नहीं है, प्रयास और प्रयत्न करते हैं, तो मैं पिछले अगर 8-9 महीने की बात करूं तो मैं किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो ऐसा करे, बिल्कुल, लेकिन मैंने अपना रूटीन ठीक किया, मैंने अपने खान पान और बाकी व्यवहार को वो किया, तो मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। और एक और वो हुआ कि ये सारी चीजें करने के साथ साथ मैंने 10-12-13 kg वेट भी रिड्यूस किया। तो जो सवाल था और सवाल का जो जवाब था, मैं उसी को यहाँ पर कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही सवाल का जवाब यहाँ पर आया है कि ये चीजें हैं। तो आप भी इसी तरह से जो AI एस्ट्रोलॉजर है, वेबसाइट है AIAstrologer.com, वहां जाके अपने सवाल कर सकते हैं। 2 सवाल आपके फ्री है, चूंकि तकनीक है तो उसके बाद कुछ चार्जेस उसके जरूर है, तो 2 सवाल इसलिए फ्री है ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि जो आप जानना चाह रहे हैं वो कितना सटीक है और जो जानकारी है वो आपको पता है वो सही है गलत है वो जानते हैं। जी गुरु जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारी कुंडली में ये चीज आई है, यही पैराग्राफ मेरी कुंडली में भी आता है जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और तुम्हें 2013 से डायबिटीज हुई थी, मुझे 2012 से हुई थी, तो मतलब वो भी बहुत ज्यादा ठीक है। और उसके बाद उस वक्त में मैं 118 किलो का था जी, मेरी पूरी कोई भी पुरानी वीडियो देखो आपको लगे पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मेरा आयुर्वेद में बहुत भरोसा रहा, मैंने आयुर्वेद खुद स्टडी किया, सब कुछ किया और करके अब मैं लोगों को इनके उपायों के अलावा मैं आयुर्वेद के उनको उपाय भी देता हूँ। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को अमृत माना गया है और अगर ये अमृतमय चीज़ें कोई भी इंसान लेता रहे, जो मैंने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने जानकारों के ऊपर अप्लाई करी जिनको डायबिटीज भी थी और भी कई बीमारियाँ थी, तो मैंने अप्लाई किया उन सबको, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कितने ज़बरदस्त लाभ हुए। उसके अंदर एक फार्मूला है जो आयुर्वेद से ही निकाला गया कि 100 ग्राम काली हल्दी, 100 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम दालचीनी और 30 ग्राम कलौंजी के पीस, ये मोटे मोटे पीस के, सबसे पहले खाली पेट आपको वो लेना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट सके, और फिर दूध का 1 गर्म कप, गाय का दूध हो बढ़िया नहीं तो भैंस का ही ले लीजिए, और चने के दाने जितनी प्योर शिलाजीत अगर आपको कहीं से मिले, जो एक सर्टिफाइड जो फार्मेसी हैं अच्छी पुरानी उनके पास से लेंगे तो उत्तम रहेगा, ये जो ऐड वगैरह आती है ये से ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चने के दाने जितनी उसके अंदर घोल के ये लेनी शुरू करें, आप पहले 2 से 3 महीने के अंदर वेट रिड्यूस करेंगे, बुद्धि अच्छी होगी, आप एक्टिव बहुत हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उम्र का कोई फर्क आ रहा है। आज मेरी उम्र होंगे ये 55-57 साल की हो चली,
आज की डेट में मैं 18 घंटे दिन में काम करता हूँ, ठीक है, ये इन्हीं आयुर्वेदिक फार्मूलों का ही काम है। तो मैं साइंस को मानने वाला हूँ, मैंने तुम्हें बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं एक आयुर्वेद आचार्य भी बन रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये करके मैंने इस तरह के फार्मूले भी निकाले हैं कि आज की डेट में बहुत सारी दुनिया ऐसी आती है जिनके ग्रह बोलते हैं कि इनके स्पर्म्स काउंट कम है, उसके लिए दवाई देनी पड़ती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती है जिनके अंडे ही नहीं ढंग से बन रहे, उनके इलाज करने पड़ते हैं, और ग्रहों में भी होता है, उनको ग्रहों का इलाज भी करवाता हूँ और उनको ये आयुर्वेदिक फार्मूला भी बताता हूँ, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखा है, हजारों हजार बच्चे सुखी हुए हैं, हजारों हजार। इसीलिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये शुरुआत है, कि हॉस्पिटलों के अंदर ये बीमारी वाली कैटेगरी जितनी है मैं वो फ्री करने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ताकि हॉस्पिटलों में ये मशीनें लगें, डॉक्टर भी ये जान पाएं कि इसके कौन से हिस्से में दिक्कत है। नहीं तो ग्रहों का तो ऐसा खेल है बेटा कि डॉक्टर भी सारे टेस्ट करके हार जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि इसके कौन से हिस्से में दिक्कत है, और इस तरह से एक बार नहीं बहुतों बार मरीजों को ये जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम दवाई दे रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहे। लेकिन मेरे पास हजारों हजार एग्जाम्पल ये है कि जब उन्होंने उपाय किए, वही डॉक्टर जो वो दवाई दे रहा था वो नहीं लग रही थी, वही डॉक्टर जब वो दवाई देता है तो वो लगने लग गई। इसलिए हॉस्पिटलों के अंदर इस मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं वहीं आऊँगा, जो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं ज्योतिष पाखंड है, आपको एक एक अजीब सी स्थिति में रखता है, झूठ है इसके अंदर, ये एक बड़ा नंबर है इस तरह के लोगों का, तो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी, उनके भी तर्क है कि साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप, अच्छी बात ये कि आप इस ज्योतिष में साइंस का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ये पाखंड है, बेकार है, उसका रीजन है बेटा, 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करके लोग ज्योतिषी बने हुए हैं, एक जीवन कम पड़ता है, और वो भी कम पड़ता है जिसके अंदर एक आदमी की उम्र 137 साल हो जाए, इतना ये बड़ा विज्ञान है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है, ये परमात्मा की कोई ना कोई करनी रही होगी कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे जल्दी मेरे पे तरस आ गया। मेरी सबसे बड़ी व्यथा पता क्या है बेटा, हमारे देश के अंदर 22 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, 22 लाख प्लस, अगर एक एस्ट्रोलॉजर रोज के 2 लोगों को भी देखता है तो रोज के 44 लाख लोग तैयार होते हैं, उनका ये एक्सपीरियंस होता है कि जीडी वशिष्ठ भी वैसा होगा। ठीक है, ये मेरी व्यथा है, लेकिन मैं करूं क्या। जो लोग अब सालों से मेरे पास जुड़े हुए हैं, अब तुम देखो कि कोई दिन मेरा एक, मैंने 4 घंटे निकालने हो ना, मेरे लिए ये मुसीबत है, 4 घंटे अगर मैंने निकालने हो तो ज्योतिष सच है, ज्योतिष झूठे हैं। इसी दुख को खत्म करने के लिए मैंने ये एस्ट्रोलॉजर बनाया कि पहले 2 क्वेश्चन लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सच बोलता हूँ कितना झूठ। एक सवाल मेरे जहन में बैठे बैठे आया, आमतौर पे जितने भी ज्योतिषियों से मिलते हैं और उपाय के तौर पे वो बताते भी हैं कि बहुत सारी अंगूठियाँ रिंग्स जो हैं और उसके अंदर स्टोन्स अलग अलग तरह के होते हैं, मैं आपके हाथ में वो थोड़ा सा मिसिंग सा फील कर रहा हूँ, बस 2 छल्ले ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ऐसा नहीं है, मैं भी हाथ में अंगूठियाँ पहनता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ नग नहीं पहनाए जाते ज़्यादा, कभी भी नहीं ज़्यादा पहनाए जाते। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है कि मेरे पास अगर दिन के अंदर 50 क्लाइंट आए हैं तो बहुत मुश्किल किसी 2 को मैं नग पहनाता हूँ, बहुत मुश्किल 48 लोगों को मैं नग नहीं पहनाता। उसका कारण ये है कि नग बहुत महंगी चीज़ है, नग बहुत हल्के पहने जाएं तो उनका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, और बहुत महंगी चीज़ है ये नग, और सच में रतन तो रतन ही होते हैं, ठीक है। अब उसे आप 2-4 हज़ार रुपये में तोलोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे गुरु जी कहा करते थे, कहते बेटा नग मत पहनाइयो किसी को, कहते गरीब और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है, कहते नग बिल्कुल काम करते हैं, रतन बिल्कुल काम करते हैं, अगर अमीर पहने तो, गरीब पहने तो ये काम नहीं करता। कारण ये कि वो सचा होता ही नहीं, नकली मिलते बहुत सारे, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम होती थी। और मैं यही काम अपने छोटे छोटे उपाय इन्हीं के द्वारा कर देता हूँ, इन्हीं के द्वारा। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भाग्य साथ नहीं देता, घर में कलेश पड़ा रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लमों के बीच में माँ से नहीं बनती, बाप से नहीं बनती, सब एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, कोई नहीं समझ रहा होता, ये घर का माहौल होता है। ये पैदा क्या होता है,
अगर भाग्य स्थान के अंदर कोई भी ग्रह भले ही उच्च का बैठा हो, हर तरह से अच्छा बैठा हुआ हो, लेकिन उसका दुश्मन ग्रह अगर साथ में घर में बैठ गया ना, तो बेटा उस ग्रह की बखियां उधेड़ देता है और पूरे घर के अंदर धमाल मचा देता है। तो इस दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे गुरु जी? वही तो काम हम करते हैं। अब तो ये एस्ट्रोलॉजर ढूंढता है, वहां पे मिलेगा। हाँ, वो ढूंढता है और मैं खुद ढूंढता हूँ, ये मेरी नॉलेज ही तो है इसमें। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो बृहस्पति नौवें घर में, उसका अपना घर है, बहुत अच्छा उसके अंदर रिजल्ट देता है, लेकिन जब नौवें घर के अंदर बृहस्पति बैठ गया और उसी वक्त में बुध सातवें घर के अंदर बैठ जाए, या बृहस्पति सातवें घर में बैठ के बुध नौवें घर के अंदर बैठ जाए, बेटा इतना बुरा हाल करता है, पूरा परिवार पागलों का टब्बर होता है और किसी का काम कोई ढंग से नहीं बनता, बस सारे एक दूसरे को समझा रहे होते हैं और पूजा पाठ पे इतना जबरदस्त जोर होता है कि पूरा घर ही मंदिर लगने लगता है। घर के अंदर हवन की खुशबू आ जाती है, ज्योतों की खुशबुएं आती हैं, ये सब कुछ होता है, बस सब कोई परमात्मा से मांग रहे होते हैं, अंधाधुंध मांग रहे होते, शांति की खुशबू नहीं आ। हाँ, उपाय कितना ईजी, धूप घास देखिए ना, धूप घास हर रोज थोड़ी सी लो, पानी से धो के शिवलिंग पे चढ़ाते रहो, 43 दिन के बाद में दुखी खत्म हो जाएगा। इस तरह के हालात होते। लाल किताब के इन उपायों की सटीकता के कारण ही, लोगों के जीवन में आए हुए बदलाव के कारण ही, कितनी मोटी मोटी फीस लोग मुझे देते हैं और बड़े से बड़ा अफसर मेरे यहाँ आकर के चार चार घंटे इंतजार करता है, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करता है, और अंदर मैं टाइम कितना देता हूँ, 10 मिनट नहीं पूरे देता, इतनी देर में उसका पास प्रेजेंट फ्यूचर उसको बता करके उसको उपाय दे के बाहर कर देता हूँ ना। तो राजू कुछ तो होगा मेरे पास, जो ये सारे इतने बड़े बड़े IAS IPS ये जजेस तक भी समझ गए, और इतने बड़े इंडस्ट्रीज़, इतने बड़े नेता सब मेरे पास आते हैं, पर एक बात तुमने देखी होगी, आज तक किसी के साथ तुमने मेरी फोटो नहीं देखी होगी। बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि मेरी यही खासियत है, उन सबको विश्वास है कि गुरुजी के पास जाएंगे ये हमारी फोटो का फायदा नहीं उठाएंगे। असल में गुरुजी खुद ही इतना फायदा दे देते हैं उनको। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है गुरुजी। और देखिए, क्योंकि हमारा ज्योतिष जो है, हमारा जो विज्ञान है, वो उस दुनिया में सबसे बड़ा है। आज कोई भी देश कितने ही दावे भरता हो, कितने ही दंभ भरता हो कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कहीं आगे है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहा है। मेरी वो जो स्पीच जो वहाँ पर ग्राफिकीरा में हुई थी देहरादून में, उसमें राज्यपाल जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि GD वशिष जी ने ये जो AI astrologer.com वाला टूल जो इन्होंने इख्तियार किया है, अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि एक इंसान के अंदर की जितनी साइंस है, जो उसके विचारों की, उसके कर्म की जो साइंस है, वो हमारा ज्योतिष कितने हजारों साल पहले से लिख चुका है। उस हजारों सालों से जब ये पश्चिम वाले जानवर मार के खाया करते थे, रहने के लिए इनके पास जगह ही नहीं होती थी, हीटर क्या होता है, गर्म पानी क्या होता है, इनको पता नहीं था बेटा, उस वक्त में ये साइंस लिखी गई थी, समझ गए। और आज सिर्फ मैं पैदा अब हुआ हूँ, यही गलती हुई है, पहले हो गया होता तो शायद पहले ढूंढ लेता। तो ये अब परमात्मा की दया से ये मैंने ढूंढा, ढूंढ के इसको कंप्यूटर के अंदर जो पिरोया हमने, ये लेटेस्ट टूलों ने मेरी बहुत मदद करी है, और उससे ये जो संभव हुआ है, तुम सोच के देखो, अगर ये साइंस ना होती तो क्या पिरोई जा सकती थी? बिल्कुल, क्योंकि इसी के नाते वो लोग जो लोग किसी काम के अंदर नहीं चल पाए, जो लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, बेटा वो ज्योतिषी बन गए, वो तांत्रिक बन गए, वो लोगों को उम्मीद देने लगे, भोले भाले लोग उनके पास जाने लगे, उनके काम नहीं हुए तो भरोसे उठ गए। ठीक है, अब ये अगर इतना बड़ा विज्ञान है, जो डॉक्टरों की जितनी पढ़ाई करने के बाद भी उसके परे की समझ है, तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने साल के कोर्स के बाद कोई ज्योतिषी बन जाए, और छोटी उम्र का बच्चा जो अभी 17, 18, 19, 20, 22 साल का है, वो भी ज्योतिषी बन के बैठे हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी अकल लगानी पड़ेगी ना, कि जिसके पास जा रहे हो कम से कम उसके पास कुछ होना तो चाहिए। यानी कि अब सीधे सीधे ये है कि जो देश भर में पाखंडी ज्योतिषियों ने दुकानें खोल रखी हैं, उनकी दुकानें भी बंद होने वाली है, क्योंकि AI एस्ट्रोलॉजर जो है वो अब मैदान में आ चुका है, जो सटीक जानकारी, सटीक उपाय। और देखिए, मैंने अभी एक ही सवाल लिया था, मैं और उस सवाल का, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, वो सही और सटीक उस सवाल का जवाब यहाँ पर आया है। तो आप भी
ट्राई कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से भरोसा कीजिए, भरोसा तब कीजिए जब आप वो दो सवाल आपको जो है वो लगे कि आपके जीवन से जो जुड़े हों और बिल्कुल और बेहद सटीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप आए और AI एस्ट्रोलॉजर जो है आपने उन तमाम लोगों को दिया जिनके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, दुख है, तकलीफें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जानना भी चाहते हैं। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ज्योतिष का हमारे जीवन में बेहद अहम रोल है। हाँ, बस बचकर उन लोगों से रहना है जो सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपको झूठे सच्चे जानकारी या झूठे सच्चे उपाय बताते हैं और जिससे आपको फ़ायदा नहीं होता और फिर आपको लगता है कि ज्योतिष जो है वो झूठ है, पाखंड है, धोखा है। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी, बहुत सारी चर्चाएं हमने की जो सटीकता की हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, हमने जाना कि स्वास्थ्य मेरा कैसा है, मुझे धन कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, बच्चे कितने होंगे, बच्चे हैं तो इनका भविष्य क्या है, ये बातें हर आदमी जानना चाहता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी दिक्कत है। क्या ज्योतिष वो बता सकता है अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है, दुष्कर्म किसी के साथ होना है, क्या इस तरह की जानकारी भी आप बता सकते हैं? मैं एक बात बताता हूँ, तो आज से 7-8 महीने पहले एक माँ बाप मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बिटिया की कुंडली दिखाई। मैं, ये बिटिया विदेश में? कहते हाँ जी, विदेश में। मैं, ये इस वक्त में लड़ ज़्यादा रही है? कहते हाँ, वही प्रॉब्लम है। मैं, लेकिन ये लव मैरिज के योग है, लेकिन लव मैरिज होकर के लव मैरिज ना रहना। मैं कह, ये योग है तो क्या? कहते वो वहाँ पर लिव इन में रह रही है। ठीक है, अभी मेरे पास परसों ही आए थे, वो लड़की वापस आ गई, स्वयं आई थी, समझे? कारण ये, माँ बाप ने कहा उपाय कर ले, उसने नहीं किए, मेरे पास आई। मैंने तो फ्रेश ही देखना होता है, मेरे को इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती। मैंने यही सारी बातें दोहराई, लड़की को खुद यकीन आया। तो जब ये सब कुछ हुआ, कहती गुरुजी क्या आप ये पहले ही बता सकते थे? मैं कहा बेटा, अगर तू 12 साल की उम्र में भी आती तो मैं तब भी तेरे को यही बताता, तेरे साथ ये होना है और फलानी उम्र से शुरू होना है, और अगर तू ये उपाय करेगी तो ये नहीं होगा। मैंने उसके अंदर प्रेडिक्ट किया था कि तू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये चले जाएगी। वो आई ही बच्ची डिप्रेशन में थी, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि बैठना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जब जिज्ञासा जागी तो तब वो उतनी सारी बातें मेरे साथ कर रही थी। कहती गुरुजी मैं लिविन में ज़रूर रही, लेकिन 5 साल तक, कहती मैंने टच भी नहीं करने दिया उसे, लेकिन जब उसने बहुत भरोसा दिलाया तो कहती हम एक होने लगे, माँ बाप बैठे हुए थे, समझे ना? मैं कह, ये गलत और सही, करता इंसान है लेकिन करता नसीब। अगर ये चीज़ें मैं ना जान पाया तो फिर मेरा ज्योतिष करने का क्या फ़ायदा, समझे? इस तरह के हालात, और ये तो कुछ भी नहीं बेटा, 17 साल की उम्र से लेकर के और 70 साल के इंसान तक, उसमें आदमी भी औरतें भी सब आते हैं, 52 साल की उम्र के अंदर भी एक औरत अफेयर में चले जाती है। ग्रह योग जब आता है ना, किसी को नहीं बख्शता, ये सच्चाई है, समझे? तो ये सब कुछ प्रेडिक्ट करना और इतनी बड़ी एज की औरत को भी ये कहना कि तू अफेयर में है, बेटा ये हिम्मत कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। जिसको जन्म कुंडली का पूरा विज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, वही बता सकता है कि इस वक्त इसकी मानसिकता में क्या चल रहा है और ये कौन से कर्म के ऊपर आगे बढ़ा हुआ होगा, समझे? तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जो एस्ट्रोलॉजर है बेटा वो कुछ भी निकालने में सक्षम है। एक और इसी बात से एक सवाल आया, बहुत सारे महिलाओं से संबंधित बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहते नहीं चाहते ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गई हैं और वो वहाँ से निकलना चाहती है। क्या आपका ज्योतिष, क्या AI एस्ट्रोलॉजर, क्या उन्हें वो उपाय दे सकता है कि वो उस गंध की दलदल से वो बाहर निकल सकती है? AIAstrologer.com पे जाके देखो, कुछ नहीं करना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस ये डालना है, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालना क्योंकि PDF बन के उसी पे आती है, ठीक है जी? ये चीज़, और ये नहीं कि वहां पढ़ लोगे, आपके फोन के ऊपर PDF आएगी, बाद में आप वो पढ़ सकते हैं। राज, हर किसी की जिंदगी अलग है। हो सकता है मोदी जी ये AIAstrologer.com खोल के पढ़ रहे हो तो उनका राजनीति वाला आएगा, क्या क्या कर सकते हैं। अंबानी जी पढ़ रहे हो, उनका बिजनेस वाला आएगा। लेकिन एक भिखारी भी तो पढ़ सकता है, उसका वैसा आएगा, साफ लिखा आएगा कि मांग के गुजारा करेगा। ने? इस बीच में एक दुकानदार पढ़ेगा, उसका वैसा आएगा। एक वो गलत स्वभाव वाला बच्चा जो घर वालों को जीने ही नहीं देता,
जिसको कुछ समझाया ही नहीं जा सकता, जिसकी लड़ाई अपने घर में सबके साथ रहती है। बेटा आप सवालों में जा करके देखो, आपको सवालों के अंदर हिंट मिल जाएगा कि ये इसी की मानसिकता की बात करने लगा है। ठीक है, इस तरह की माएं जिनको मजबूरी के अंदर अपने बच्चे पालने पड़ रहे हैं और किसी दलदल में है, बेटा वहां लिखा हुआ सवाल ही ऐसा होगा कि उनको यह समझ आ जाएगा ये मेरे से रिलेटेड ही सवाल है। तो क्या उस दलदल से निकलने का फिर उपाय भी होगा? 100% वहां मेंशन है, 100% मेंशन है। और बेटा ऐसा कोई एक केस नहीं, शायद ज्यादा नहीं तो सैकड़ों सैकड़ों होंगे। यही लोग तो मेरे पास आते हैं, यही लोग आते हैं जो इतनी ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब इसके अंदर मेरे पास सोनिया तो बहुत है जो मेरे को एकदम से क्लिक हो गई दिमाग के अंदर, पर क्या बताऊं। पर ये होता क्या है, नसीब खराब लिखा हो, पहले जब शादी होती है ना बेटा, मियां बीवी बड़े खुशहाल होते हैं, हर तरह से उत्तम होता है। लेकिन उसके बाद एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जिसके नसीब में ये लिखा है कि माँ और बाप का सुख नहीं होगा, बस वहीं से खराबी सारी शुरू हो जाती। आज हमारा ये पॉडकास्ट देखते हुए बहुतों को बहुतों की जिंदगी नजर आएगी। आप देखो कि कितने हंसी खुशी में शादी हुई, कितना अच्छा परिवार चल रहा था, कितना अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ उसके बाद में मियाँ बीबी की बनी ही नहीं, अलग होने के लिए मजबूर हो गए। इसी को बेटा पहले कहा करते थे कि लकी बच्चा अनलकी बच्चा। लेकिन इसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, इसको रोकने का तो एक ही तरीका है। मेरे पास लगभग 5000 प्लस परिवार ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने, जिनको डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। मैं आज भी, आज सुबह भी दो बच्चों की डिलीवरी टाइम दे के आया हूँ। एक मेरी भतीजी है और दूसरी मेरे बड़े भाई की बहू है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से होना है, पर 27 तारीख यानी कि कल का, कल मैंने कल का टाइम अपनी बहू के लिए दिया है और 20 फरवरी का टाइम मैंने निकाल के दिया है अपनी भतीजी के लिए। बेटा परमात्मा कुछ भी देता है। अब इस थ्योरी को प्लीज भूल जाना कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है, उसके अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं, इसको प्लीज भूल जाना। साइंस की बात है तो साइंस के साथ ही करते हैं। ठीक है, मैंने जो अपनी बहू को दिया है वो लड़के के अच्छा काम जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके घर में थोड़ी सी एक पंगा है जो सास बहू का ज्यादा है। ठीक है, भाई को थोड़ी सी तकलीफ है, मैंने इस बार उसे गज केसरी योग दिया, वो भी धन भाव का, जिसके अंदर दादा दादी की उम्र लंबी, दादा दादी के पास धन बढ़ा और दादा दादी के पास में हर फैसिलिटी होगी, ये मैंने उस बच्चे की कुंडली के अंदर वो देख के दिया। डॉक्टर ने तो 10 दिन का टाइम दिया था उसके अंदर बच्चा ले सकते हैं, तो मैंने वो टाइम दे दिया। मेरी भतीजी उनकी शादी के बाद में तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत एक और थी, लड़का अच्छा है, कामकाज अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरी शादी हुई उनके ससुर की, तो वहाँ से उनको थोड़ी तकलीफ हो रही। तो मैंने उसको एक योग ऐसा दिया जो कि चंद्र मंगल के और योग है और उसके ऊपर, माफ करना, मंगल शुक्र का मेल है और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। ये एक ऐसा योग दिया जिसमें पूरा परिवार एक हो जाता है, कोई किसी के साथ नफरत ही नहीं करता और कमाई का, खुशियों का कोई कमी नहीं रहती। ये मैंने अपनी भतीजी को दिया, मैंने परिवार तोड़ा नहीं, उल्टा परिवार जोड़ने वाला योग दिया। जैसे ये बच्चा घर में आएगा ना, सबकी मानसिकता बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। अब ये जो साइंस है ना, ये सबसे बड़ी है जो ये क्रिएट करती है। लेकिन चलिए, यहाँ तो पहले से उन लोगों ने इसका लाभ ले लिया, या आप बता पाए, या जरूरी था कि परिवार के लोग हों, बहुत सारे दूसरे लोग भी इस तरह का लाभ लेते हैं, लेकिन अब जिसने नहीं लिया, बच्चा हो गया, अब क्या करेंगे? तो हो गया ना, वो योग जो था वो खराब था, सही था वो तो घट गया। बेटा देश के बॉर्डर के ऊपर जो गांव है ना, वो आज भी बड़े गरीब है, बैलगाड़ी चलाते हैं, और दिल्ली के अंदर रहने वाले अगर सफाई कर्मचारी भी है तो बेटा वो फ्लाइट पकड़ के कहीं ना कहीं चला ही जाता है। ये फर्क है, क्या किया जाए, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। अब अगर करेगा, अब देश के बॉर्डर के ऊपर भी जो गांव है वो AIAstrologer.com तो खोल सकता है ना, यहां जाए। यानी आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो बिगड़ी हुई तकदीर है उसकी तस्वीर आप बदल सकते हैं। ये इतना नया है
कि लोगों को हमारी बातों पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा होगा। आजमा के देखे ना। देखो एक बात, मेरे पास में दो नौकर हैं, भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो आए से उनको हो गए 16 साल मेरे घर में। तो अभी लगभग 10-1 साल पहले की बात, जब मैं गुड़गांव आया तो वो छत पे सफाई कर रहे थे, पेंट हाउस पे छत पे कर रहे थे। वो भाग के आए डरे हुए, क्या हुआ? कहता वो लोहे की चील उठ रही है ऊपर, लोहे की चील, हमारा तो एयरपोर्ट पास में ही है, ठीक है। वो इस जमाने के अंदर भी उसे लोहे की चील बोल रहे हैं। बात नॉलेज की, मैं बात साइंस की उसकी कर रहा हूं, जो इससे पहले अगर किसी ने खोजी तो वो है नहीं, और आगे मेहनत नहीं कर रहे। ये खोज के मैंने एआई तक में डाल दिया, समझे? अब इस साइंस को बढ़ने में समय तो लगेगा। अगर आज से 70 साल पहले जाकर के अगर हम ये सोचते कि आदमी चांद पे जा सकता है, तो बेटा बहुत टफ था, कोई नहीं मान सकता। आज बस वही वाले हालात ये है, astrologer.com के ये है, तो बेटा मानेंगे, सारे मानेंगे, समय रहेगा, लेकिन अपने जीते जी भी मैं बहुतों को माना हुआ देख लूंगा। एक चीज और मैं यहाँ समझना चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे, क्या ज्योतिष, खासतौर से अब AI एस्ट्रोलॉजर की ही बात करते हैं, ये भी बता पाएगा कि भूकंप कब आए? क्योंकि अगर भूकंप आ गया है, बहुत बड़ी तबाही होगी, तो बहुत सारे लोगों की जान भी जाएगी, और हो सकता है उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग पहले से आपके पास आए हों या आने वाले हों, जो जिनका ये भी बताएं कि इस वजह से आपके जीवन में ये बड़ा संकट आ सकता है। तो यानी कि क्या वहाँ तक भी ज्योतिष जा सकता है कि आप ये वाली भविष्यवाणी कर देगी, कब कौन से दो देश लड़ाई लड़ेंगे, कब किसकी कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बिजली गिरेगी, कहाँ कोई बड़ी त्रासदी हो सकती है? मैं राज बहुत गरीब रहा हूँ, पहले बाइक भी फाइनेंस करवाता था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल तो नहीं था, लेकिन बाइक फाइनेंस करवाता था, करते हुए अपने ज्योतिष विज्ञान को बढ़ाया, क्लाइंटेशन बढ़ी, टीवी चैनलों पे आया, पूरे भारत देश के टीवी चैनलों के ऊपर चला, बहुत पैसा खर्च हुआ इसके साथ। जो मैं 2005-06 से इस कंप्यूटर की दुनिया में उतरा, तुम सोच नहीं सकते कितने करोड़ों करोड़ रुपए लगे होंगे, और जिसके अंदर की कितनी मल्टीपल भाषाएं आकर के चलेगी, और उसके अनुसार मुझे फिर कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब ये सब कुछ मैं करता हुआ आया, लेकिन इन सब के अंदर इतनी बिजी रहा, क्योंकि रिसर्च भी चलती रही, जो तुम बात बोल रहे हो ना वो मेरे दिमाग में है, लेकिन उसको लिखने के लिए जो मुझे समय चाहिए वो 6 महीने मैंने निकाल पा रहा। ये जिस दिन मुझे 6 महीने मिल गए, मैं क्या AI एस्ट्रोलॉजर ही बता देगा कि नेक्स्ट वीक कहाँ पर बम फटेगा, कहाँ ज्वालामुखी फटेगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ की फसल खराब होगी, कहाँ पर इकनॉमी डूब जाएगी, कहाँ पर इकनॉमी पार हो जाएगी, कहाँ की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और ये सारी चीज़ जानना बाएं हाथ का खेल है, अगर मुझे सिर्फ 6 महीने और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो। राहुल जी भी पता कर सकते हैं इसमें कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगे या नहीं बनेंगे? बेटा जब राहुल गांधी जी अभी सत्ता में आए नहीं थे, उससे पहले इनकी कुंडली आई थी मेरे पास, और मैंने उसी वक्त से खुल के कहा था कि ये शख्स जिस दिन राजनीति में आ गया उस दिन इनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मैं इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने उस दिन से ये प्रेडिक्शन दी हुई थी। और जब मोदी जी आए हैं, तब मैं मजाक में बोलता हूँ दोस्तों को, जानकारों को, कि अगर मोदी जी ना आते तो मुझे आना पड़ता क्योंकि मैं वैसे ही दिल का हूँ। क्या लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को संन्यास ले लेने चाहिए अगर कांग्रेस को ठीक ठाक होना है तो? बेटा बिना सोचे समझे उनको ये बात मान लेनी चाहिए ये बात कह रहे, चलिए उनके लोग उन तक पहुंचाएंगे, और ये लोग अंदर से उनके लोग कहते भी हैं कि जहां जहां, खैर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, जहां जहां संतन के पाव पड़े हुआ बंटा था तो नहीं, जो सटीकता की बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप के जो तर्क है वो साइंस को साथ लेकर है, जो दावे हैं वो दावे आज के हालात, आज की तकनीक, और उसको चलो इसमें एक बात और बता देता हूँ। आज से कुछ एक साल पुरानी बात है, 3 या 4 साल शायद लॉकडाउन से पहले की, या लॉकडाउन के बाद भी हुई, एक प्रदेश है उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हो रही थी।
तो मेरे पास आए, कहते इनका मुख्यमंत्री का बनने का हो रहा है, आप देखिए, मैं ये आदमी चार जन्म भी ले लेना तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और कोशिशें हुई, दो तीन बार कोशिशें हुई, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका। शायद आप समझ गए हों। समझ गया। बिना उपाय के संभव नहीं। अब आप कहोगे क्या उपाय से संभव है? मैंने ऐसा बहुत कुछ अपनी लाइफ में उपाय से संभव किया है, क्योंकि ये एक साइंस है। मुझे पता है कौन से ग्रह को किस तरह से चलाना है, उसके अनुसार कौन सी मानसिकता बदलनी है, और उस मानसिकता के बदलने से क्या हालात बदल जाएंगे। यही तो मेरी खासियत है बेटा, और क्या है। लेकिन एक चीज़ यहाँ फिर ये आती है ना कि भाई अगर ज्योतिष वाले उपाय कर लेंगे तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है या कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठा है बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल गलत बेटा। कर्म और भाग्य दो पहिए हैं, साथ लेकर चलो। हाँ, अगर कर्म नहीं तो भाग्य नहीं, और भाग्य नहीं तो कर्म नहीं, तो कुछ भी नहीं। समझे? कर्म होना और भाग्य होना दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर हम मोदी जी की बात करें, आप दुनिया दूसरी कुंडली देखती है, मैं दूसरी कुंडली देखता हूँ। हमारे यहाँ ग्रहों में बहुत फर्क आ जाता है। उनके लग्न के अंदर चंद्रमा है, बृहस्पति केतु का चौथे घर का मिलन, और दसवें घर के अंदर शुक्र शनि का मेल। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आदमी जब बोलता है ना तो दिल से आवाज निकलती है उसकी। चौथा घर हमारा दिल है, वैसे तो पांचवा घर है, लेकिन जो वो फीलिंग है जिसमें कि हमारे शरीर का 70% पानी हमारा साथ देता है बेटा, वो चौथा घर है। वहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए ना तो आदमी की वाणी में इतना गजब का प्रभाव होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता। समझे? और बृहस्पति और केतु दोनों गुरु चेला है, ये जब चौथे घर में बैठे तो शुक्र शनि का दसवां घर, ये तो गजब है ना। इनकी अपनी कर्म भूमि है, ये इनकी अपनी कर्म भूमि है। ये शुक्र और शनि मिल जाए, उसे बोलते उच्च केतु, जिसका झंडा सबसे ऊपर होता है। तो वो जब बोलते हैं ना, उनके झंडे को और बुलंद करता है। वो जितना बोलते हैं वो उनके झंडे को और बुलंद करता है। ये मोदी जी की कुंडली में योग है, लेकिन लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के जरिए। अगर एक आम एस्ट्रोलॉजर उस कुंडली को देखता है तो बेटा उनको जो वहां पर कई कई ग्रह और बैठे नजर आ रहे हैं ना, वो जिंदगी में कभी उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि प्रेडिक्शनें निकलती हैं, लेकिन किसी की सच किसी की झूठ। अब तुम एक बात देखो, पूरे देश में हमारे कौन था जिसने ये प्रेडिक्शन कर दी? फरवरी 2021 के अंदर यूक्रेन और उसका युद्ध शुरू हुआ। 6 मार्च 2021 को मैंने YouTube के ऊपर अपनी वीडियो डाली कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये वर्ल्ड वॉर है। मैंने ये डाला, लोगों ने कमेंट में मेरे को लिखा बेवकूफ है, ये तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, रूस के सामने क्या औकात है, ये वो है। कितनी देर हो गई है राज युद्ध चलते हुए? साल भर से ज्यादा का। और सुन, इसके अंदर मैंने ये भी बोला कि इसके अंदर अमेरिका, चाइना, रूस तीनों कंट्रियां तबाह होंगी। मैंने ये उसमें प्रेडिक्शन दे रखी है। समझे? देख लो जाके क्या क्या हाल बन रहा है। उसके बाद मेरी सेकेंड प्रेडिक्शन कि मुस्लिम कंट्रियां दो अलग अलग धड़ों में बट करके लड़ाई करेंगी, ये अलग से तबाह होंगे। मैंने कहा आज पाकिस्तान और ईरान का क्या हाल होने लग गया है, वो भी मेरी प्रेडिक्शन हो रही। बेटा ये ज्योतिष है, ज्योतिष तुकबंदी का नाम नहीं है, ये बहुत कुछ सटीकता निकालनी पड़ती है। मैंने कहा ना मुझे 6 महीने मिल गए तो ये तक बता दूंगा कि कहां पर कितनी बिल्डिंगें बनेंगी। ये 6 महीने की सिफारिश कहां से लगवाए? मोदी जी से बात करें कहां से? नहीं बेटा, मेरे ग्रहों से, मेरे नसीब से। और वो मेरा नसीब बहुत जल्दी आने वाला है, और 2025-26-27 के अंदर वो नसीब आ जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, केवल देश दुनिया के लिए, तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जब उनको पता चलेगा कि कब भूकंप आना है या कब त्रासदी होनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार जो है अपना जीवन यहाँ पर खो देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे।